Hey everybody, I am Richa and I welcome you to Parcham Classes. I know बहुत दिनों के बाद हम geography लेके आए हैं. आप में से बहुत सारे लोग नाराज़ हो सकते हो. But then I'm really sorry, I was not keeping well. I was not well. अब ठीक लग रहा है. अब I'm fine. So now again we are starting with the classes. बहुत gap हो गया उसके लिए sorry. But then some things you just cannot help. Okay, चलो. लास्ट क्लास में जब हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी छोड़ा था तो हमने एशिया कंप्लीट किया था, एशिया का पॉलिटिकल और फिजिकल मैप, राइट. उसके बाद में कुछ यूएन के सेशंस आ गए और अब वापस हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आए हैं. आज आपके लिए लेकर के आए हैं यूरोप का पॉलिटिकल मैप. यस, जैसे कि हम याद करते हैं हंसते खेलते कुछ कुछ टेक्निक्स लगा करके, थोड़ी बहुत चीज़ें प्रैक्टिस करके उसी तरह से मैप याद करेंगे. तीन स्टेप होने वाले हैं. हमेशा जब भी मैप याद करना हो, तीन स्टेप या चार स्टेप, आप जैसे भी उसको कैटेगराइज करो. सबसे पहला होता है एक बार मैप को स्टडी कर लीजिए. दूसरा, जो मैं सिली फनी जो भी आप कहें टेक्निक्स देती हूँ उनको एक बार दिमाग में सेट कर लीजिए. नेक्स्ट स्टेप होगा एक ब्लैंक मैप के ऊपर बिना कुछ देखे सिर्फ उन टेक्निक्स को रिकॉल करते हुए मार्किंग कर लीजिए. और फोर्थ एंड फाइनल स्टेप होता है जहाँ टेक्निक इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती, आपने जो भी मार्किंग की है उसको बैठ करके दो मिनट दिमाग में सेट कर लीजिए सो दैट प्लेसिंग आपको याद हो जाए. ठीक है, ये चारों स्टेप अगर आपने कर लिए तो कोई भी मैप हो, नॉट जस्ट यूरोप, एनी मैप फॉर दैट मैटर, वो आपके दिमाग से नहीं निकलेगा या बहुत समय तक नहीं निकलेगा विदाउट प्रैक्टिस. ओके, चलिए तो सेटिंग के बारे में कुछ बता दूं. अपने फ़ोन की ब्राइटनेस 50% पे सेट कर लीजिए बिकॉज हम प्रोजेक्टर से पढ़ा रहे हैं, अदरवाइज आपको इतना क्लियर नहीं दिखेगा. ये बहुत हॉचपॉच मैप दिख रहा होगा आपको शायद, लेकिन लास्ट में आते आते हम ब्लैंक मैप भी लेंगे, उसके ऊपर भी लेबलिंग करेंगे. सो एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर. थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है. जिन स्टूडेंट्स ने एशिया का मैप नहीं देखा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो. और क्या बताना है, हम सोर्सेज बताते चलेंगे मैप के, बिकॉज आप लोग पूछते हो कि मैम ये मैप कहाँ मिलेगा. सो ये जो मैप है, मैप ऑफ दी वर्ल्ड या theworldmap.com से लिया गया है. आप गूगल करिएगा यूरोप का पॉलिटिकल मैप, आपको ये मिल जाएगा. ठीक है, सो अब स्टार्ट करें आज की क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले. चलिए, सो सबसे पहले तो होमवर्क दे देती हूँ. ठीक है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, या जब हम फिजिकल मैप ऑफ यूरोप आपके लिए लेके आएंगे तब मैं इसका आंसर दूंगी, लेकिन तब तक आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि यूरोप में टोटल कितने कंट्रीज हैं. ओके, कुछ कंट्रीज एशिया और यूरोप में शेयर होते हैं, जब हमने एशिया पढ़ा था तब देखा था. सो उस टाइम भी होमवर्क था, अभी भी होमवर्क है, करके आइएगा. चलो आ जाओ, ये है पूरा यूरोप का पॉलिटिकल मैप. सबसे बड़ा कंट्री इज रशिया, जो कि यूरोप के साथ एशिया के साथ शेयर भी होता है यूरोप में. देन सबसे छोटू कंट्री अभी नहीं दिखेगा, बाद में दिख जाएगा दूसरे मैप में, ये रहा. ओके, दिस इज वैटिकन सिटी. ओके, दिख रहा है ये ब्लैक डॉट जो मैंने लगाया, वैटिकन सिटी. दिस इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन यूरोप. फाइन, सो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंट्री हमने बता दिया. अब आ जाओ, हम एक डायरेक्शन फॉलो करेंगे और उस हिसाब से मैप को लर्न करते चलेंगे. सबसे ऊपर देखो, ये जो आपको दिख रहा है कुछ ड्रैगन के फेस जैसा भी आप चाहो तो इमेजिन कर सकते हो, रशिया उसकी बॉडी हो गई है, इसका फेस हो गया. यहाँ पे आपको नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ये दिख रहा है. दिस इज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वाला रीजन. अगर आप पेनिनसुला की बात करो, पेनिनसुला क्या होता है, ऐसा एरिया जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो. तो यूरोप आप देखोगे ना, पेनिनसुला ही है, वाटर वाटर वाटर. ठीक है, उधर लैंड आ गया. तो यूरोप वैसे तो पेनिनसुला है, इसमें भी एक पेनिनसुला आता है जिसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन और नॉर्थ पार्ट ऑफ फिनलैंड आता है. ठीक है, पेनिनसुला में ये दो आ गए, लेकिन कुछ कंट्रीज़ को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहा जाता है क्योंकि इनका कल्चर वगैरह सेम होता है. ठीक है, लैंग्वेज, कल्चर, दे आर सिमिलर. सो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज डेनमार्क, एंड ये रहा आइसलैंड. ये पांच कंट्रीज़ आती हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर. ऑलराइट, इट इज़ वेरी ह्यूमिड एंड बाहर बारिश हो रही है, सो हम बहुत ज़्यादा पसीना वसीना पहुँचने वाले हैं. चलो, सो सबसे पहले ये कंट्रीज देखेंगे, फिर हम यहाँ आएंगे इस वाले रीजन पे, ब्रिटिश आइल्स, जिसमें हम यूके या ग्रेट ब्रिटेन देखेंगे, और यहाँ पे आयरलैंड. एक एक करके सब याद करवाऊंगी, एक बार थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन कर लो. फिर यहाँ पे आएंगे, इस एरिया को कहा जाता है आइबेरियन पेनिनसुला. जब पढ़ेंगे तो लिख दूंगी, आइबेरियन पेनिनसुला. ठीक है, जिसमें पोर्टुगल, स्पेन आता है, और कई केसेस में ये अंडोरा है, वन कंट्रीज एंडोरा, वो भी इसमें काउंट किया जाता है. फिर ये देखो, ये इटली दिख रहा है, जहाँ भी मैंने वैटिकन सिटी भी पास में मार्क किया था. सो इटली, ये इसको इटली पेनिनसुला बोलते हैं. फिर इधर आ जाओ, ये जो आपको पूरा हिस्सा दिख रहा है ना, ये थोड़ा हार्ट शेप जैसा, दिस इज बालकान, बालकान या बालकन पेनिनसुला, ये वाला आ गया.
एंड दैट इज़ इट. फिर जो मेनलैंड वाले हिस्से हैं वो हम देख लेंगे. ठीक है. सो चलो. ओहो आई केप्ट माई डस्टर देयर. वेट सॉरी. आई एम सो सॉरी. चलो अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले स्कैंडिनेविया रीजन, स्कैंडिनेवियन रीजन या कंट्रीज से. ठीक है. तो मैंने क्या बताया था? नॉर्वे, ओके, स्वीडन और फिनलैंड. ठीक है. ये तीन कंट्रीज यहाँ आ गई. फिर यहाँ नीचे देखो, स्वीडन है तो डेन से ही यहाँ पे आ जाएगा डेनमार्क. राइट. डेनमार्क की ही टेरिटरी में ना ये फेरो आइलैंड पड़ते हैं, FARO, फेरो आइलैंड. अभी नेक्स्ट स्लाइड में बड़ा सा दिख जाएगा. फिर यहाँ पे ये पूरा बर्फ़ का पानी है, ठंडा ठंडा पानी. उसमें आइसलैंड, कौन सा लैंड है ये? आइसलैंड. आई एम राइटिंग क्योंकि हो सकता है आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो. ठीक है. स्मार्ट बोर्ड लाएंगे, जल्दी लाएंगे, तब तक के लिए एडजस्ट करो. सो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड, सबसे पहले पार्ट में पांच कंट्रीज़ की प्लेसिंग हमें याद करनी है. ठीक है. अब इसको आप चाहो तो सीधे याद रख सकते हो. मैं हर बार नहीं रिपीट करूँगी, ये सीधे याद होता है तो सीधे याद कीजिए, पर मुझे टेक्निक भी देनी है. आई लाइक इट एंड मैनी ऑफ माई स्टूडेंट्स लाइक इट. सो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? पानी पानी है ना आसपास, उसमें फिशेज होती हैं, फिशेज के फिन, पंख खाने में कुछ लोगों को बहुत मज़ा आता है. तो हमने बोला नो स्वीट फिन. कोई फिन कोई अच्छा नहीं होता है, कोई स्वीट नहीं होता है कि फिन खाते रहते हो. नो स्वीट फिन. ओके, सिर्फ इतना सा याद रखो, नो स्वीट फिन. नो स्वीट फिन से नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आप याद रख सकते हो. नो स्वीट फिन, ये जो ड्रैगन है ये फिन खाता है, ऐसा ध्यान रख सकते हो. जैसे भी याद रखो, नो स्वीट फिन से नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड. अब स्वीडन है, डेन से ही डेन के नीचे डेनमार्क, ये वाला एरिया आ जाएगा. ठीक है. और ये पूरा आइस वाटर है तो आइसलैंड. आइसलैंड और आयरलैंड में कंफ्यूज अगर आप बिगिनर हो बिल्कुल तो हो सकते हो, मैं यही मान के पढ़ा रही हूँ आप बिगिनर हो. तो आइसलैंड और ये आयरलैंड है, तो ये पूरा आइस वाटर के बीच में आइसलैंड. ठीक है. यहाँ तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है. रटना वटना नहीं भाई, देखते चलो मैप पे प्लेसिंग. और मैं टेक्निक दे रही हूँ, थोड़ा सा उससे रिलेट करो, पिक्चर बना लो कुछ, तो सेट हो जाएगा दिमाग में. अब ये देखो, ये है पूरा स्कैंडिनेविया जो अभी हमने देखा, अभी बहुत बड़ा बना दिया. ये पूरा नॉर्वे, उसकी कैपिटल ऑस्लो दिखी हुई है. अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम कैपिटल भी बताते चलिए साथ में, तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे. अभी सारी चीज़ें एक साथ देखोगे ना, कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इसलिए मैं नहीं बताती हूँ. वीडियोज़ बने हुए हैं कंट्री कैपिटल पे. आप वर्ल्ड जीके की प्लेलिस्ट में जाओ चैनल पे, सारे कॉन्टिनेंट्स के कंट्री कैपिटल्स आपको मिलेंगे टेक्निक के साथ याद करवाए हुए. ठीक है. सो ये नॉर्वे हो गया, ये लंबा वाला पार्ट स्वीडन हो गया, और ये थर्ड पार्ट फिनलैंड हो गया. ये देखो स्वीडन के नीचे डेनमार्क, और ये फेरो आइलैंड्स जो मैं आपको बोल रही थी. ठीक है. ये फेरो आइलैंड डेनमार्क की टेरिटरी में आता है, और ये आ गया आइसलैंड. क्लियर. चलो अब हम आते हैं द ब्रिटिश आइल्स. अब देखो फटाफट से, यहाँ देखो फर्स्ट मैप, ये वाला पार्ट खत्म हो गया. अब हम ये कर रहे हैं ये वाला रीजन. ठीक है. हम ऐसे मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज. फाइन. सो अब हम आ रहे हैं इस वाले पार्ट पे, तो जल्दी से देख लेते हैं. ब्रिटेन के अंदर, आई एम सो सॉरी, ये भी पूरा ब्रिटेन का पार्ट है, और ये आयरलैंड का ये जो नॉर्दर्न पार्ट है ना, ये भी ब्रिटेन का ही हिस्सा आता है, यूके का. ओके. सो अब ये जो पूरा ब्रिटिश आइल्स या ब्रिटेन वाला जो पार्ट है, इसमें ऊपर ये वाला हिस्सा स्कॉटलैंड कहलाता है, दिस पार्ट इज स्कॉटलैंड. देन ये पूरा इंग्लैंड वाला हिस्सा हो गया, ये साइड में वेल्स आ गया, और ये आता है नॉर्दर्न आयरलैंड, और ये सब यूके का या ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है, ग्रेट ब्रिटेन की टेरिटरी में आता है. तो एक कंट्री हो गई यूके, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन. ओके. कैपिटल क्या है? लंदन. यूके की लंदन है, ये रहा लंदन. ठीक है. चलिए, और इसी के नीचे से देखो इंग्लिश चैनल है, जो मैंने आपको आई थिंक यूनेस्को में या किधर तो भी बताया था, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, आई थिंक यूनेस्को में बताया था. ठीक है. तो ये नीचे यहाँ से इंग्लिश चैनल जा रहा है. एनीवेज, ये हो गया पूरा यूके, यूनाइटेड किंगडम, और यूके के अंदर ये चार रीजन्स आ जाते हैं या टेरिटरीज आ जाती हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, IRE, आयरलैंड. और ये जो बाकी हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, या जनरली हम इसको आयरलैंड भी बोल सकते हैं. ठीक है. ये अलग कंट्री हो गई जो फेडेड येलो कलर में दिख रही है, और ये बाकी सारी अलग कंट्री हो गई यूके, यूनाइटेड किंगडम. कोई प्रॉब्लम नहीं? शाबाश. चलो
अब चलते हैं थोड़ा सा फर्दर। देखो ये ब्रिटिश आइल्स वाला काट लिया हमने, अब थोड़ा नीचे आ जाओ, ये मेन लैंड का वेस्टर्न पार्ट, कई जगह इसको साउथ यूरोप में भी काउंट किया जाता है, ठीक है। तो वो जब हम फिजिकल ज्योग्राफी देखेंगे तब देखेंगे, अभी डायरेक्शन वगैरह में नहीं जाओ, अभी आप इस एरिया पे आ जाओ। इसको बोलते हैं आइबेरियन पेनिनसुला, ठीक है, आइबेरियन पेनिनसुला। अब देखो इसके ना नीचे ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, मोरक्को, अल्जीरिया, ये आ गया अफ्रीका। हाँ, और अफ्रीका और यूरोप को डिवाइड करता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर या गिब्राल्टर। जब हम स्ट्रेट्स पढ़ेंगे, अलग से एक वीडियो लेके आएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स पे, तब हम देखेंगे। तो देखो अब यहाँ मोरक्को आ जाता है, थोड़ा बहुत एसोसिएट करना ठीक रहता है, मोरक्को आ जाता है। मोर वोर कितना सुंदर होता है ना, पिकॉक इज़ वेरी ब्यूटीफुल, आपको उसकी फोटो लेनी है, लेकिन कितना पेन टेकिंग काम है ना, यहाँ पानी में कहाँ खड़े हो गए, मोर यहाँ है, कहाँ से फोटो लो, पेन वाला काम है ना। सो आइबेरियन पेनिनसुला में दो मेन कंट्रीज आते हैं, एक है पोर्टुगल, फोटो से पोर्टुगल, ठीक है, फोटो पोर्टुगल कैसे भी याद रख सकते हो, एंड अनदर इज स्पेन, है ना, फोटो निकाली है हमने मोर की, लेकिन वो बहुत पेनफुल काम था। सो पोर्टुगल, स्पेन, ये दोनों आइबेरियन पेनिनसुला में आते हैं। कई जगहों पे एंडोरा, ये जो गोला आपको दिख रहा है, दिस इज एंडोरा, ऑलराइट। सो मोरक्को के पास में है, इसलिए मोरक्को मैंने जोड़ दिया, मोरक्को इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोप, प्लीज़ ब्लंडर मत करना। सो आइबेरियन पेनिनसुला में पोर्टुगल, स्पेन एंड एंडोरा। अच्छा, इनका रिलेशन ना मैं जब आपको बाकी बड़ी बड़ी कंट्रीज याद कराऊंगी ना तो भी आ जाएगा, अभी सर वैसे मेंशन ध्यान रख लो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नाउ दिस इज़ अ वेरी घचड़ पचड़ वाला चीज़, लेकिन बहुत सिंपल है, डरने की कोई बात नहीं है। अब हम आते हैं बालकान के ऊपर, या बल्कन वट एवर यू कॉल इट। अच्छा, मैंने इटली नहीं बताया, आई एम सो सॉरी, पीछे चलते हैं, आ जाओ यहीं पे इटली भी देख लेते हैं। ये आइबेरियन पेनिनसुला देख लिया, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड वगैरह अभी देखेंगे, अभी इस वाले हिस्से को छोड़ दो, इधर आ जाओ, इटालियन पेनिनसुला पे आ जाओ, ये रहा पूरा इटली। इटालियन लेदर होता है ना, इट इज़ वेरी फेमस, इटालियन लेदर शूज़ वगैरह बनते हैं उसके, तो ये देखो ये शू शेप दिख रहा है, जैसे बूट्स होते हैं ना, लॉन्ग बूट्स, हाँ, तो ये बूट का शेप दिख रहा है कुछ। सो दिस इज़ इटली एंड इट इज़ इटालियन पेनिनसुला। आप इटली के जस्ट ऊपर भी देख लो, ये पूरा इटली जा रहा है यहाँ तक, है ना, दिस इज ऑल इटली, इटाली, ओके, चलो नीचे तक। यहाँ पे एक कंट्री आता है सैन मरीनो, क्या कंट्री है, सैन मरीनो। अब देखो इटालियन लेदर से कुछ बनाना है, तो लेदर कहाँ से आता है, किसी ना किसी एनिमल स्किन से आता होगा, तो उस एनिमल को मारना पड़ता है, मारना पड़ेगा तो ही लेदर बनेगा, तो मरीनो, सैन मरीनो, ओके। और मारा काटी की है किसी की, अब पाप धोने के लिए क्या करोगे, वेटिकन सिटी में, बिल्कुल चर्च वर्च, यू नो, पोप का सिटिंग है वहाँ पे, तो वहाँ जाके आप अपना प्रायश्चित कर लेते हो, तो ये आ जाती है वेटिकन सिटी। सो इटली, सैन मरीनो, वेटिकन सिटी, तीनों की प्लेसिंग आ गई समझ में, शाबाश। अब देखो जहाँ ये इटली ख़त्म हो रहा है ना, इसके पास में ये देखो ये एक और कंट्री आता है, मोनाको, क्या कंट्री है, मोनाको, ओके। सो आप चाहो तो इटालियन बूट्स पहन के मोनाको बिस्किट खाते हुए कहीं जा रहे हो, ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो इटली के आसपास ही एक तो दो तो यहीं पे आ गए, और एक पास में तीसरा छोटू सा कंट्री आ गया, मोनाको, ओके। अब इटली के जस्ट ऊपर, आहा ब्यूटिफुल, स्विट्जरलैंड, कौन सा कंट्री है, स्विट्जरलैंड। इटालियन बूट्स पहने हैं, फैशनेबल आप बन रखे हो, तो कहीं अच्छी जगह घूमने जाओगे, सो आप गए हो स्विट्जरलैंड घूमने, सो इटली के जस्ट ऊपर आ जाता है स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये फ्रांस, जर्मनी हम बाद में कनेक्ट करेंगे, स्विट्जरलैंड के पास में बस एक और ये देख लो, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है, कुछ नहीं करना अभी, सिर्फ देख लो। सो इटालियन पेनिनसुला ये रहा, इसमें सैन मरीनो और वेटिकन सिटी हमने देख लिया, वेटिकन सिटी, ऊपर हमने स्विट्जरलैंड देख लिया, इधर छोटू सा मोनाको देख लिया, और इधर ऑस्ट्रिया देख लिया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं बालकान के ऊपर, बालकान पेनिनसुला, ये इटालियन पेनिनसुला आ गया, ठीक है। देन यहां से देखो, हाँ ये देखो, ये टर्की, ये एशिया का हिस्सा, टर्की नहीं, एशिया का नहीं, हाँ ये वाला पार्ट एशिया का था, ये शेयर्ड है ना, ये वाला रशियन टर्की हो गया,
या मैं टर्की लिख ही देती हूँ, लेट अस अवॉइड द कंफ्यूजन, टर्नी नहीं टर्की, ठीक है टर्की। सो अब कहाँ से कहानी शुरू करें, पहले दो चीज़ें देख लो, ये टर्की था, ये भी टर्की हो गया, ये टर्की है, ये ग्रीस है, ग्रीस, ट्रक में ग्रीस व्रीस डालोगे तभी ट्रक चलेगा, हाँ। सो ट्रक के बिल्कुल सामने ग्रीस आ गया, ये रही बाउंड्री ग्रीस की, बड़ा सा कंट्री हो गया ये, ठीक है ग्रीस, ओके। ये मेडिटेरेनियन सी है, एशिया में भी देखी थी, ये एगियन सी आ गई, ये जब हम फिजिकल वाला पार्ट करेंगे तब देख लेंगे, एड्रियाटिक सी आ गई, छोड़ दो अभी, यहाँ से कहानी शुरू करते हैं। ये सबसे पहला कंट्री आ रहा है स्लोवेनिया, कौन सा कंट्री है स्लोवेनिया, पहले पढ़ लेते हैं एक बार, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, पढ़नी है ना, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, मॉन्टेनीग्रो, अच्छा यहीं से चलते हैं, जैसा जैसा मैं आपको स्टोरी भी बताऊंगी ना ऐसा ही चलते हैं, चलो छोड़ो। सो फर्स्ट इज स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, यहाँ आ जाओ सर्बिया, फिफ्थ कोसोवो, छोटू सा इधर बीच में कोसोवो, नॉर्थ मैसिडोनिया, हाँ फिर इधर आ जाओ सेवेंथ अल्बेनिया, और ये एट्थ आ जाओ मॉन्टेनीग्रो, ठीक है। तो पहले हम ये आठ कंट्रीज देखेंगे, उसके बाद वो बाकी वाली देखते हैं, डन चलो। सो अब इसके लिए छोटी सी स्टोरी बता रही हूँ, जल्दी से दिमाग में फिट करना, कुछ बड़ा तामझाम नहीं है। स्लोवेनिया स्लो, हमने क्या हिंट लिया स्लो, अभी इसको छोड़ दो दिमाग में, स्टोरी पिक्चराइज करो, एक स्लो क्रो है, बहुत धीरे उड़ता है, बहुत स्लो उड़ता है, स्लो क्रो है, तो उसके बॉस को सब्र नहीं होता कि इसको कुछ भी काम दो, इतना स्लो उड़ता है ना, परेशान कर देता है, स्लो क्रो है, बॉस से सब्र नहीं हुआ एक दिन कि भाई इसका कुछ करना पड़ेगा, तो उन्होंने कस के धो दिया उसको, डिशुम डिशुम, कस के धो दिया। अब वो इतना अलबेला हो गया ना, अरे भाई पिटने के बाद एकदम चेंज, इतना अलबेला हो गया कि फटाफट माउंटेन तक उड़ जाता है, अब बिल्कुल स्लो नहीं है वो, इतना अलबेला हो गया, ठीक है। सो हमें कीवर्ड भी डालने होंगे और पिक्चर भी बना लो, स्लो क्रो था, बॉस से सब्र नहीं हुआ, कस के धो दिया, अब वो अलबेला हो गया, माउंटेन तक उड़ जाता है, सिंपल, चलो। सो स्लो स्लोवेनिया, स्लो से दो कंट्री हो सकते हैं, स्लोवाकिया भी हो सकता है, स्लोवेनिया भी हो सकता है, स्लोवाकिया भी आएगा, ठीक है, तो ये स्लोवेनिया है, ध्यान रखना। सो स्लोवेनिया स्लो क्रो, क्रोएशिया, बॉस को पसंद नहीं आया तो बोस्निया एंड हर्जेगोविना, अब इधर चले जाइएगा, इस तरह से जाएंगे हम, बॉस को सब्र नहीं हुआ तो सब्र से सर्बिया, कस के धो दिया, कस से कोसोवो, धो दिया से धोनिया, मैसिडोनिया, ओके, देन अल्बेला हो गया अल्बेनिया, और माउंटेन तक उड़ जाता है मॉन्टेनीग्रो, ठीक है। चलिए अब यहाँ आ जाते हैं, ये ट्रक था ना हमारा टर्की, ब्लैक सी के आसपास हम ट्रक चला रहे थे, ध्यान है, ये ब्लैक सी है, उसके नीचे ट्रक आ रहा है, तो ट्रक में ग्रीस डालना पड़ता है, तो ग्रीस हो गया। अब ट्रक बुल से भिड़ गया है हमारा, ठीक है, ऊपर ले जाओ थोड़ा, ये बची हुई कंट्रीज है ना, इनका क्या करेंगे। सो ट्रक बुल से भिड़ गया, बुल क्या कर रहा था रोड पे, रोम कर रहा था, भटक रहा था, घूम रहा था, यहाँ रोम कर रहा था, वैसे भी ना ये बहुत बड़ी कंट्री है, आपको दिख जाएगी अलग से, बाल्कन पेनिनसुला में, ठीक है। सो रोम कर रहा था, तो रोमेनिया, राइट, और ये जो मॉल्डोवा है ना, ये हम जब ऊपर से स्टोरी लेके आएंगे तब मैं बता दूंगी, राइट। सो अभी के लिए मॉल्डोवा सीधे याद रख लो, भिड़ गया बस कुछ नहीं, तो आपने माल वाल लेके सेटल किया, कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं तो क्या करते हैं ना, ये थोड़े रुपए रखो सर यार, छोड़ो केस वेस मत करना। तो ये ट्रक बुल से भिड़ गया, क्यों, क्योंकि वो रोम कर रहा था और उसको हमने थोड़ा माल वाल देके सेटल किया है, तो मॉल्डोवा, ठीक है, फिर ब्लैक सी आ जाता है, इधर वापस नीचे आ जाओ, चलो हो गया बाल्कन्स, ऑल राइट। अब हम बची हुई कंट्रीज फटाफट कर लेते हैं, आई रियली होप मज़ा आ रहा होगा लर्न करने में, मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है चलो। नाउ अब मैं सोच रही हूँ, नहीं हम नहीं सोचते, चलो यहीं आ जाओ। अभी ऊपर नॉर्थ वाला पार्ट हमने देखा था यूरोप का, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अब इससे नीचे नीचे मूव करेंगे, और ये देखो जो अभी हमने किया था ना, टर्की, बुल्गेरिया, रोमेनिया, मोल्डोवा, है ना, अब इसके ऊपर वाला हिस्सा यहाँ से कवर कर लेते हैं, राइट। सो ये स्वीडन, फिनलैंड हमने कर लिया था, वील बी कवरिंग दिस पार्ट नाउ, तो ये दोनों आके यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। ये रशिया है, सबसे बड़ा कंट्री दिख रहा होगा आपको, यूरोप में जॉर्जिया का एक पार्ट भी आता है, यहाँ पे कॉकेसस माउंटेन्स आ जाते हैं, हमने पढ़ लिए थे पहले, ये अजरबैजान, ठीक है, ये दोनों भी शेयर होते हैं,
कजाकिस्तान यूरोप में शेयर होता है, टर्की शेयर होता है, रशिया शेयर होता है। चलो सो अब देखो ये कौन कौन सी कंट्रीज है, फटाफट देख लेते हैं। एस्टोनिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, बोलते जाइएगा साथ में, ओके, देन बेलारस, ये इतना बड़ा यूक्रेन, और ये इधर मोल्डोवा, ठीक है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंट्रीज अब हम देखेंगे। सो अब इसके इसकी जो स्टोरी है ना, ऊपर नो स्वीट फिन से एसोसिएट किए हमने, ठीक है। वो जो ड्रैगन जैसा फेस था ना, तो वो बोल रहा था फिन खाना, हमने बोला नो स्वीट फिन, फिन कोई बहुत स्वीट चीज़ नहीं होती है, नहीं खाना है, तो क्या खिलाएं, कुछ तो खिलाना पड़ेगा। हमने बोला इस लाली को ना, लाली समझते हो, छोटी सी बच्ची को बोलते हैं, तो ड्रैगन को हमने छोटा बेबी की तरह ट्रीट कर लिया, इस लाली को बेल का रस पिलाओ। अब बेल समझते हो नहीं समझते हो, बेल फ्रूट होता है ना, जो शिवजी पे बेल पत्र चढ़ता है उसका फ्रूट इज कॉल्ड बेल, ठीक है। सो इस लाली को बेल का रस पिलाओ और क्रेन में बिठा के मालवाल देके ब्लैक सी से रवाना करो, ठीक है। ड्रैगन को भेजो भाई यहाँ से, ये तो सारी फिशेज और उनके फिन खा जाएगा वरना, ओके। सो अब आप कोई चीज़ खाने के लिए मना कर रहे हो तो उसके एवज में कुछ और तो दोगे। सो हमने क्या बोला, इस लाली को, लाली मतलब छोटी बच्ची, हमने बेबी ड्रैगन है ये, ऐसा समझ लो। सो इस लाली को बेल का रस पिलाओ, क्रेन में बिठा के माल वाल दे के थोड़ा, कि रस्ते में क्रेन खराब नहीं हो जाए, और ब्लैक सी से रवाना करो, ठीक है। अब ये ऊपर से लिंक कर लेना, नो स्वीट फिन, तो ड्रैगन, बेबी ड्रैगन ने पूछा मैं क्या खाऊं, तो हमने बोला इस लाली को बेल का रस पिला के क्रेन में माल दे करके ब्लैक सी से भेज दो। तो इससे एस्टोनिया, लाली, लातविया, लिथुएनिया, बेल रस बेलारस, क्रेन यूक्रेन, माल मोल्डोवा, और ये मोल्डोवा इधर रोमेनिया वाली स्टोरी से भी कनेक्ट हो जाएगा, और ब्लैक सी से रवाना कर दो, ठीक है। सो ये वाला पूरा बेल्ट याद हो गया, मैंने समझा दिया टेक्निक कब तक काम आएगी, एक बार आप प्लेसिंग दिमाग में सेट कर लोगे तो टेक्निक की ज़रूरत आपको, जैसे ही आप थोड़े प्रो हो जाते हो ना, यानी थोड़े एक्सपर्ट हो जाते हो मैप में, तब टेक्निक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि टेक्निक एक बार सिर्फ परमानेंट मेमोरी तक पहुँचाने का ही काम करती है। एक बार चीज़ें मेमोरी में घुस गई फिर टेक्निक यूज़ में नहीं आती, सीधे आप इन्फॉर्मेशन से कनेक्ट करते हो। चलो नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं जल्दी से, ओके राइट। सो यहाँ ना दो तीन चीज़ें देखते हैं, एक सेकंड मैं देख लूँ मैंने नेक्स्ट क्या डाला हुआ है। ऑलराइट, सो हम यहाँ पे जितनी भी मेजर मेजर कंट्रीज है ना, ये करेंगे, ये यह, ठीक है, अलग अलग लेवल से कनेक्ट कर लेंगे ना, पूरा मैप दिमाग में पिक्चरफुल हो जाएगा। सो देखो, यूक्रेन, आपने बेलारस वाली स्टोरी अभी इस लाली को बेल का रस पिला के क्रेन में बिठा के वो वाली कहानी से भी आपने यूक्रेन की पिक्चर देख ली थी, आपने पोर्टुगल और स्पेन आइबेरियन पेनिनसुला में भी देख लिया था। अब बीच के सारे बड़े बड़े कंट्रीज को हम कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यूक्रेन पोलैंड, दिस इज पोलैंड, जस्ट इनकेस आपको नहीं दिख रहा हो, जर्मनी, फ्रांस, फ्रांस जर्मनी हमारे मुंह से इकट्ठे ही निकलता है ना, बिकॉज पास पास हैं। फिर ये आ गया स्पेन, और ये आ गया पोर्टुगल, ठीक है, और ये है यूक्रेन। मैं क्यों स्माइल कर रही हूँ, क्योंकि बहुत प्यारी सी स्टोरी है, जिसको सुनते मुझे स्माइल आई जाती है। यूपी वाले भैया हैं हमारे एक, ठीक है। अब यूपी वाले लोग ऑफेंड मत होना, मेरे मम्मा पापा भी यूपी के हैं, ठीक है। सो एक ही बात है, अगर मैं थोड़ा मजाक कर रही हूँ तो मैं खुद के ऊपर भी मजाक कर रही हूँ। सो यूपी वाले भैया हैं, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड कहाँ की है सोचो ज़रा, स्पेन की, ठीक है। तो फोटो खींचने से बाज ही नहीं आते, पूरे दिन फोटो लेते रहते, आ हा हा क्या किस्मत पाई है, स्पेन की गर्लफ्रेंड मिल गई, ठीक है। सो यूपी वाले भैया, यूपी, और जीएफ यानी गर्लफ्रेंड कहाँ की मिली, स्पेन की। इतना मजाक बनता है अब, है ना, आप ग्रैंडफादर करना चाहो तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। यूपी वाले भैया के ग्रैंडफादर स्पेन के थे, ठीक है, तो वो उनकी फ़ोटो लेते रहते हैं, या उनकी बहुत सारी फोटो घर में लगा रखी है, ऐसे भी कर लो, हम थोड़ा फन एलिमेंट ला रहे थे इसलिए ऐसे किया, ठीक है। सो यूपी वाले भैया की गर्लफ्रेंड है स्पेन की, फोटो खींचते रहते हैं, यूक्रेन पोलैंड, जीएफ से जर्मनी, फ्रांस, स्पेन एंड पोर्टुगल, डन डन डना डन, ये भी हो गया। अब क्या भाई, अब थोड़ा ये बल्कन पेनिनसुला के इधर इधर वाले जो कंट्रीज है ना, ये देख लेते हैं, चलो। ऑलराइट, इधर आ जाओ,
ये था टर्की, है ना, इसमें नहीं दिख रहा है। टर्की बुल से भिड़ा था, याद है? बुल क्या कर रहा था? रोम कर रहा था। मैं किश्तों किश्तों में क्यों बता रही हूँ, एक साथ वो स्टोरी क्यों नहीं बताई? थोड़ी थोड़ी देर में रिवाइज करोगे तो और अच्छे से सेटल होगी। सो ट्रक बुल से भिड़ा था जो कि रोम कर रहा था। क्यों भटकते है कोई भी बुल रस्ते पे? खाना ढूंढ रहा होता है, हंग्री होता है। तो जो रोम क्यों कर रहा था? क्योंकि हंग्री था। फिर हम भी तो हमारा काम करेंगे ना, अच्छा नागरिक होने की सलाह। तो हमने उसको बोला, भाई थोड़ा स्लो वॉक किया कर, ऐसे थोड़ी होता है ताबड़ तोड़ निकल लिए तुम रस्ते पे, थोड़ा स्लो वॉक किया कर और चेक करके चला कर कहाँ चल रहा है, नहीं तो भिड़ गया ना अच्छा खासा ट्रक से। ठीक है, तो अब ये कंट्रीज कौन कौन सी हैं? टर्की था, बुल से था बुल्गेरिया, बुल रोम कर रहा था सो रोमेनिया। अब हमने देखो उसको माल वाल देके सेटल किया था, तो यहाँ पे मोल्डोवा आ गया था, यहाँ जाओगे तो मोल्डोवा आ जाएगा, यहाँ चलोगे तो बुल हंगरी था, सो ये आ गया हंगरी। बुल को हमने बोला स्लो वॉक किया कर, तो ये आ गया स्लोवाकिया। स्लोवेनिया कहाँ था? यहाँ था स्लोवेनिया, स्लो क्रो वाली जो स्टोरी थी, है ना, वो स्लो क्रो वाली स्टोरी यहाँ से आती थी, राइट। स्लो वॉक किया कर और चेक करके चला कर, तो चेक रिपब्लिक। ठीक है, डन। सो टर्की, बुल्गेरिया, रोमेनिया, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक। और चेक रिपब्लिक स्लोवेकिया, स्लोवाकिया और हंगरी के इधर बॉर्डर शेयर करता हुआ है ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया के पास मैंने क्या बताया था? स्विट्जरलैंड। तो ये आ गया आपका स्विट्जरलैंड। ठीक है, ऊपर कर ही लिए हमने सारे कंट्रीज, है ना। ये था हमारा यूक्रेन, ये पोलैंड आ गया, जर्मनी आ गया। अब छोटे छोटे कंट्रीज देख लो जो बीच बीच में आपको दिखेंगे, कहाँ से शुरू करें। ये अंडोरा हमने बता दिया था आपको, यहाँ आ जाओ देखो, लाइचेंस्टीन यहाँ पे आता है ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के इधर बीच में, लाइचेंस्टीन। क्या है ये? लाइचेंस्टीन, इसको सीधे याद रखो, थोड़ा फनी सा नाम है, याद हो ही जाएगा। अब देख लो, ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में तीन कंट्री आती हैं, ये वाली है लग्जमबर्ग, ये वाली है बेल्जियम, और उसके ऊपर है नेदरलैंड्स। ठीक है, दिस इज नेदरलैंड्स। आप इसको कैसे याद रखें तीन कंट्रीज को? तो देखो, जर्मनी, जर्मनी को आप जर्म्स से भी याद रख सकते हो, जर्म्स होते हैं, तो जर्म्स होंगे तो लक्स के सोप से हाथ धो, इम्यूनिटी बढ़ाओगे तो भी जर्म्स कम लगेंगे, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जिम जाओ, बेल्जियम जिम, लक्स लग्जमबर्ग। और इधर उधर के लैंड पे मत घूमो, कोरोना वाले जर्म्स हैं ये, ठीक है, इधर उधर निधर नुधर, ठीक। नेदरलैंड, नीदरलैंड, इधर उधर निधर, किधर भी लैंड पे नहीं घूमना है, ओके। सो जर्म्स अगर आप चाहते हो आपको नहीं पकड़े कोरोना जर्म्स, तो लक से हाथ धो, जिम जाओ, और नीदर नूदर नहीं घूमने का तो नेदरलैंड्स, राइट। और क्या बच गया? आई थिंक हो गया बड़ी, ये डन। ओके, सो बस सिंपल सारा यूरोप का नक्शा छाप लिया हमने दिमाग के ऊपर, बस इतने कंट्रीज हैं। अब कितने हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। आई थिंक मैंने कुछ भी मिस नहीं किया है। छोटे छोटे कंट्री सारे हमने देख लिए ना, इधर उधर बिंदु बिंदु जो भी थे, हो गया, नथिंग टू वरी। ठीक है, सो टेस्ट लिए फटाफट से, या रिविजन या मार्किंग, जो भी आप उसको बोलो। चलो आ जाओ, ये लाइचेंस्टीन हमने मार्क किया हुआ है, ठीक है। ये लाइचेंस्टीन के पास पास वाले जल्दी से कंट्रीज बता दो, इधर कौन सा और इधर कौन सा है, वन नंबर का कौन सा होगा, चेक करूं। ये इटली, इटली के ऊपर स्विट्जरलैंड, शाबाश। और लाइचेंस्टीन के राइट में ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, शाबाश। ठीक है, अच्छा चलो थोड़ा सा टफ पूछते हैं, है ना। क्या टफ पूछेंगे, सब याद हो गया तो सिंपल ही है। ड्रूम, क्या बताओगे? चलो ये बता दो, थ्री नंबर, ये कौन सा कंट्री है, जल्दी बताओ, आयरलैंड या आइसलैंड? आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, शाबाश। आइसलैंड किधर है, मेरे राइट में या मेरे लेफ्ट में? इधर, सो दिस इज आइसलैंड, शाबाश। चलो ये बता दो, दिस नंबर फोर कौन सा कंट्री है, आइबेरियन पेनिनसुला है, यहाँ पे मोरक्को था अफ्रीका का, और हमने वो भी लिया था
यूपी के भैया की गर्लफ्रेंड है, स्पेन की फोटो खींचते रहते हैं, बताओ कौन सा कंट्री है? स्पेन है, शाबाश। अच्छा ये बताओ तो, इधर छोटू सा, अन्न के दाने जितना, अन्न के दाने जितना, अंडोरा, शाबाश। चलो ये कौन सा कंट्री है? मैंने बता दिया था इटली, ये नहीं पूछ रही हूँ। अब इसमें ये बता दो ये कौन सा कंट्री है? इटालियन लेदर चाहिए तो कुछ मारना पड़ता है, सैन मरीनो, शाबाश। चलो बीच का कुछ पूछते हैं ना, कौन सा बताओगे? चलो ये वाला कंट्री बताओ, ये बता दिया मतलब मैप की पूरी पकड़ हो गई। ये डिफिकल्ट है बॉस, ये हो गया तो काम खत्म। सोच के बताओ, कोई सी भी स्टोरी उठा लो उससे बता लो यार। मैंने बताया था आइबेरियन पेनिनसुला में बड़ा बड़ा कंट्री अलग ही दिख जाएगा, सचो। बुल्गेरिया या रोमेनिया? चलो मैंने हिंट दे दी, बुल्गेरिया या रोमेनिया? रोमेनिया, शाबाश, मेरे को भी शाबाश, मैंने याद करवा दिया। ये देखो ये टर्की था, ट्रक से बुल भिड़ा था तो ये बुल्गेरिया है, और वो रोम कर रहा था तो ये रोमेनिया है, शाबाश। अच्छा एक लास्ट बताओगे मेरी संतुष्टि के लिए कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ? चलो कोई सा भी मार्क कर देते हैं ना, ये वाला बता दो। दिस वन, ये था नो स्वीट फिन, ओके। यहाँ कोई स्टोरी स्टार्ट हुई थी इस तरह से जाती हुई, इस छोटी सी बेबी को, ड्रैगन बेबी को हमने क्या बोला था? लाली। इस लाली को बेल का रस पिला के, वो वाली स्टोरी थी। तो ये जल्दी से बताओ क्या होगा? इस लाली, ली से क्या था? लाइचेंस्टीन, लिथुएनिया, 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 वेरी गुड, शाबाश। तो विद दिस आवर सेशन इज ओवर ऑन यूरोप मैप, पॉलिटिकल मैप, एंड आई एम रियली हैप्पी अगर आप आंसर दे पाए तो। एंड जल्दी ही मिलेंगे, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा एम्प्टी मैप पे, ये भी आपको मैप मिल जाएगा गूगल पे, ठीक है। आई थिंक ये भी हमने वहीं से लिया होगा, theworldmaps.com, अदरवाइज आप चेक कर लीजिएगा। और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस हो गई, खाली मैप भर दिया तो काम खत्म। जल्दी मिलेंगे फिजिकल मैप ऑफ यूरोप के साथ, इंडियन ज्योग्राफी भी आएगी, प्लीज़ नाराज़ मत हो, इंडियन ज्योग्राफी भी जल्दी ला रहे हैं। टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड बाय।